राजा राम मोहन रॉय बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है और हम सब मुझे लगता है उनके नाम से काफ़ी वाकिफ हैं। ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सनालिटी इन आवर इंडियन हिस्ट्री। बट क्या कभी हमने सोचा कि राजा राम मोहन रॉय को हम राजा क्यों कहते हैं? ऑल दो उनके पास कोई एम्पायर नहीं था, ना ही उन्होंने किसी दूसरे लैंड को अटैक करके वहाँ के राजा उन्होंने राजा लाइक अटैक किया था और वहाँ के राजा बने थे, इस तरह की कोई भी हिस्ट्री राजा राम मोहन रॉय के संग एसोसिएटेड नहीं है, तब भी हम उन्हें ही राजा कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? चलिए मैं आज आपको इसके बारे में भी बताती हूँ और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिस चीज़ के लिए मुझे लगता है राजा राम मोहन रॉय सबसे अधिक फेमस हैं, दैट इज़ एबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम। बट क्या हमने कभी सोचा कि वो उन्होंने इतनी फाइट, इतनी इतना सारा मैसिव स्टेप्स क्यों लिया है फॉर एबॉलिशन ऑफ सती? आखिर ऐसा क्या था कि वो इस सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे? दिस इज़ कंचन इन योर चैनल कंचन झा मेक्स लर्निंग ईजी एंड आई होप आज मैं आपको राजा राम मोहन रॉय के कुछ ऐसे यूनिक फैक्ट्स बता पाऊँगी, समझा पाऊँगी, जिनको जानना शायद हम हर इंडियन सिटीजन के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, राजा राम मोहन रॉय वॉज बॉर्न ऑन 22 मई 1772 इन राधानगर एंड वाइल ही डाइड ऑन 27 सितंबर 1833 इन ब्रिस्टॉल इन यूनाइटेड किंगडम। वो एक फेमस पर्सनालिटी तो हैं ही, साथ में आपको बता दूं कि ही इज़ अ पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट मीन्स ही न्यू 5 languages, दैट इज़ इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, अरबिक एंड पर्शियन। ही वॉज द वन हु ट्रांसलेटेड वेदास एंड उपनिषद्स इन इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली। He was very against the orthodox rituals of the Hindus. वो ये orthodox system of rituals को नहीं follow करते थे. He was also against the idol worship. Okay, and in fact he championed the scientific temple. जिसके लिए he faced backlash for his views number of times. But still he was continuously he was working towards his goal. He was one of the founders of Brahmo Samaj. And what was this Brahmo Samaj? It was a social religious reform movement. In his society, religious or social inequalities or any orthodox rituals ke against fight karti thi. As we all know ki unhone sati system ke against sabse badi ladai ki, and in fact he is credited for abolishing sati system from India. And you know why? Because he found, he saw his sister-in-law died by jumping into the pyre of her husband, his brother Jagmohan, and that actually impacted him a lot. He led many protests and at the same time requested Britishers number of times to abolish this. He wrote petitions to Britishers for abolishing the sati system, and finally this sati system was abolished in the year 1829. So this was the major step for our society jo main samajhti hu Raja Ram Mohan Roy ne hamare liye liya tha. वो यहाँ पे कैलकटा, ही वॉज अ फर्स्ट टू एस्टैब्लिश एन इंग्लिश मीडियम स्कूल इन कोलकाता, फर्स्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल इन कोलकाता दैट लेटर केम टू बी नोन एज एंग्लो हिंदू स्कूल। ओके, एंड नॉट ओनली एंड इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1816। इन फैक्ट ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ न्यूज़ पेपर विच वॉज नोन एज संबाद कौमुदी। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें हम राजा क्यों कहते हैं। द मेजर रीज़न इज अकबर टू ऑफ द मुगल एम्परर। ओके, नॉट अकबर वन, अकबर टू ऑफ मुगल एम्परर। उसने राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड भेजा था, ब्रिटेन भेजा था टू रिप्रेजेंट हिम, एंड ही गेव हिम द टाइटल ऑफ राजा। And from that day, we started calling him Raja Ram Mohan Roy. Even, you know, our famous freedom fighter, Gopal Krishna Gokhale, he gave him the title of
फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया. सो उनके काफ़ी ऐसी कंट्रीब्यूशंस हैं जो उन्होंने हमारे इंडियन सोसाइटी के लिए की है. आई थिंक ही डिजर्व्स लॉट मोर, यू नो व्हाट वी कैन से, काफ़ी ही डिजर्व्स लॉट मोर पीपल टू नो अबाउट हिम. हमें उनके बारे में काफ़ी जानना चाहिए. ओके, बट आई थिंक वट एवर आई कुड हैव गिवन यू इन्फॉर्मेशन अबाउट राजा राम मोहन रॉय, आई शेयर विथ यू टूडे. आई hope you like this. And he died, you know, he died in England, and that mausoleum is still there. It was a place, Arno's Vale, in United Kingdom. He died there, and they have the mausoleum till today. So I hope you like this information about our famous reformer, Raja Ram Mohan Roy. He is also known as the father of Bengal Renaissance. And thank you so much for watching. I'll come again with a new topic of any other subject, and the next week again with a topic of history. Thank you so much.